लगभग 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। खतरा। दोस्तों, पिछले साल की तरह इस साल भी काफी खतरनाक एस्ट्रॉइड ने हमारी पृथ्वी को दस्तक दी है और इस लिस्ट में शामिल होने जा रहा है एक और एक एस्ट्रॉइड जो कुछ ही दिनों में पृथ्वी के साथ एक क्लोज एनकाउंटर कर सकता है। इस एस्ट्रॉइड का नाम है 2021 NY1। इस एस्ट्रॉइड का नाम सुनकर आपको पता चल ही चुका होगा कि इस एस्ट्रॉइड को इसी साल यानी कि 2021 में ही खोजा गया था। इस एस्ट्रॉइड को वैज्ञानिक काफी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं। ये एस्ट्रॉइड का डायमीटर लगभग 130 मीटर से लेकर 300 मीटर तक हो सकता है, जो सच में काफी विशाल है। यह एस्ट्रॉइड लगभग 33,659 km/h की स्पीड से पृथ्वी की ओर आ रहा है। यह एस्ट्रॉइड हर 1,400 दिनों में सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करता है, यानी कि 1,400 डेज इसकी ऑर्बिटल पीरियड है। एस्ट्रॉइड 2021 NY1 22 सितंबर को पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। उस समय यह एस्ट्रॉइड और हमारी पृथ्वी की दूरी लगभग 14,98,113 किलोमीटर होने वाली है। सुनने में यह दूरी काफी ज्यादा लगती है, पर स्पेस मेजर्स में इसे एक क्लोज एनकाउंटर माना जाता है। इस एस्ट्रॉइड को नियो और पोटेंशियल हैजर्डस एस्ट्रॉइड की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये एस्ट्रॉइड 22 सितंबर को रात के 8:11 में हमारी पृथ्वी के करीब से गुजर जाएगा। इस समय एस्ट्रॉइड ट्रैकर्स 24 ऐसे एस्ट्रॉइड्स को ट्रैक कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में हमारी पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। इन 24 एस्ट्रॉइड में से एक एस्ट्रॉइड जो काफी अहम है, जिसका नाम है 2015 TQ21, जो अगले महीने यानी कि अक्टूबर में हमारी पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। वक्त आने पर इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो जरूर आएगी। आशा करते हैं कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनसीन इजाजत लेता हूं आपसे, मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ।